गुड आफ्टरनून क्लास सिक्स। इसके पहले मैंने तुम लोग को असाइनमेंट भेज दिया था, गोपाल भाड़ वाला भी भेज दिया था, हाँ असाइनमेंट भी मैंने भेज दिया था। आज मैं कविता पाठ नंबर 11, इतने ऊंचे उठो, इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, यानी कभी हम मनुष्यों को बच्चों को कहता है इतना ऊंचा उठो जितना उठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सिंचित करो धरा समता के भाव दृष्टि से, इतने ऊंचा उठो जितना उठा गगन है, देखो हम इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सभी को छोटा बड़ा नहीं देखना है, सभी को एक जैसा देखना है, सिंचित करो धारा को, अपने परिश्रम से इस धारा को सिंचित करो, मैंने खेती करो, समता का भाव दृष्टि हो, सब जगह समान दृष्टि हो, सो तुम्हारा जाति भेद की, धर्म देश की, काले गोरे रंग वेद वेश की, जलाओ को जलते से जलते जग में, यहाँ जो देश में जाति भेद है, देश धर्म है, काला गोरा का जो ये है, सबको अपने शीतल प्रेम से सबको शांत कर दो, इतने शीतल भाव कि जितना मलय पवन है, नए हाथ से वर्तमान का रूप समारो, नए तुलका से चित के रंग उभारो, नए राग का नूतन अक्षर दो, नया जुग हो, नया सब कुछ नया हो, यहाँ पर न जाति का ये हो, न धर्म का हो, न देश का हो, सब प्रेम से एक दूसरे से मिलकर रहे, नए राग की नूतन अक्षर दो, युग की नई मूर्ति रचना से, इतने मौलिक मनों की जितना स्वयं सृजन हो, इतना अच्छा बन जाओ कि स्वयं में अच्छा हो, चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, हम अगर इस धरती को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पलाना है, सूरज चांद चांदी तारे सब प्रतिबल साथ हमारे हैं, दिग दो रूप को रूप सुलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। शब्दार्थ याद कर लोगे इसका, कविता का 12 लाइन याद कर लोगे, इसको फिर इन द ब्लैंक्स तक करोगे, 4 नंबर तक करोगे, इसके अलावा और कोई करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला क्लास में मैं 12 नंबर पाठ करवाऊंगा। ओके बाय।